वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको नेटफ्लिक्स पर अभी की सबसे मोस्ट पॉपुलर साउथ कोरियन जॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस डेड के बारे में बताऊंगा। ये सीरीज मुझे अब तक की सबसे बेस्ट जॉम्बी सीरीज लगी है। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है, वो भी इसके सीजन 1 के है, और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। गाइस सीरीज एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि मैं पूरी सीरीज एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज के सबसे मेन कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। ये है चोंगसन, ये उसकी बेस्ट फ्रेंड ओंजो, ये है सुयोग, और ये है नामरा, ये है ग्विनाम, और भी कई सारे। ये सारे कैरेक्टर हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, और ये है प्रोफेसर लिबियोंग चैन। इनकी वजह से ही पूरे योसान में जॉम्बी अपोकलिप्स स्टार्ट होता है। तो सीरीज स्टार्ट होती है अपार्टमेंट के टेरिस पर, जहाँ खराब स्टूडेंट की गैंग एक लड़के को बहुत पीट रही होती है। इस गैंग में ग्विनाम भी शामिल होता है, वो भी इस लड़के को बहुत पीटता है। उस लड़के की गलती ये थी कि वो इन लोगों से बहुत परेशान था, क्योंकि ये लोग उसे रोज तंग करते थे, मारपीट करते थे। इसलिए बहुत डिप्रेस होकर सुसाइड करने से पहले इनका नाम सुसाइड नोट पर लिख देता है, ताकि इस गैंग को पुलिस से पकड़ाया जा सके। गैंग को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए उसे टेरिस पर बहुत मारते हैं और उसे टेरिस से नीचे फेंक देते हैं। ये लड़का प्रोफेसर लिबियोंग चैन का बेटा होता है। अपने बेटे को देखने के लिए प्रोफेसर अस्पताल में जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके बेटे को बहुत चोट लगी है, उसे बहुत मारा गया है। प्रोफेसर अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं, तभी उनका बेटा गुस्से से उस गैंग के मेंबर को मारने की जिद पर अड़ जाता है, पर प्रोफेसर उसे रोक लेते हैं। तभी अचानक उनका बेटा अजीब हरकतें करने लगता है, वो जैसे जॉम्बी बन रहा हो वैसी हरकतें करने लगता है। प्रोफेसर ऐसा देख के समझ जाते हैं, इसलिए वो किताब से अपने बेटे के सर को जोर जोर से मारने लगते हैं। प्रोफेसर ने कुछ तो किया होता है उनके बेटे के साथ, तभी अपने बेटे को इस तरह मारते रहते हैं। प्रोफेसर अपने बेटे को एक बड़े से बैग में डालकर कहीं ले जा रहे होते हैं, तभी बैग में कुछ हरकतें होने लगती है और बैग में से उनके बेटे का हाथ बाहर निकल आता है। प्रोफेसर उसके हाथ को देखकर समझ जाते हैं कि वायरस के चपेट में आ गया है। तभी वो हाथ अचानक प्रोफेसर के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और बैग में से बाहर आने की कोशिश करता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सब लोग स्कूल में अपना अपना काम कर रहे होते हैं। चोंगसन और सुयोग अपने दोस्त ग्योंगसू के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट आर्चरी के सेंटर में आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। फिर सब स्टूडेंट अपना सारा काम पता के घर चले जाते हैं, पर एक लड़की क्लास में ही सो रही होती है। वो भी घर जाने के लिए उठ जाती है, पर उसे अचानक एक आवाज साइंस लैब से आती है। वो उस आवाज का पता लगाने के लिए साइंस लैब में चली जाती है। साइंस लैब में उसे फिर वही आवाज आती है, तब उसकी नजर एक ढके हुए बक्से पर पड़ती है। उस बक्से का पर्दा उठाकर देखती है, तब उस लड़की को उस कांच के बक्से के अंदर एक छोटा सा चूहा दिखता है। लड़की चूहे को प्यार से टच करने के लिए बक्से के छेद से अपनी उंगली अंदर डालती है, तभी वो चूहा उसे जोर से काट लेता है और अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि उस चूहे पर प्रोफेसर लिबियोंग चैन ने एक्सपेरिमेंट किया होता है। तभी प्रोफेसर लिबियोंग चैन वहाँ आ जाते हैं और सब देख लेते हैं। प्रोफेसर को पता चल जाता है कि चूहे ने उस लड़की को काट लिया है, इसलिए प्रोफेसर लड़की को घर जाने नहीं देते और उसे लैब में ही बांध देते हैं, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। फिर हमें चोंगसन उसके सारे फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में चिकन खा रहे होते हैं। ये रेस्टोरेंट चोंगसन के मॉम डैड का होता है। ओंजो, ग्योंगसू और इसाक चोंगसन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और ओंजो चोंगसन के अपार्टमेंट में रहती होती है। फिर हमें स्कूल की साइंस लैब में बंदी उस लड़की को दिखाया जाता है। वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड होती जाती है। फिर ओंजो के डैड को दिखाया जाता है, जो फायर डिपार्टमेंट रेस्क्यूअर होते हैं। फिर ओंजो और चोंगसन सुबह स्कूल जाने के लिए चले जाते हैं। सारे स्टूडेंट स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें स्कूल के बाहर ग्विनाम और उसकी गैंग को दिखाया जाता है, जो एक लड़के और उसके दोस्त को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। ये सब देख के सुयोग उनका पीछा करता है। वहां पर ग्विनाम और उसके दोस्त उस लड़की का एमएमएस बना रहे होते हैं, और उस लड़की को कल सुबह 9 बजे वायरल कर दूंगा ऐसी धमकी देकर जबरदस्ती करने जा रहे होते हैं। तभी सुयोग आकर उन्हें रोक देता है और उस लड़की और उसके दोस्त को वहां से ले जाता है। तभी ग्विनाम उस लड़के को ब्लैकमेल करके वापस बुला लेता है। फिर सुयोग वहां से चला जाता है स्कूल जाने के लिए। ओंजो सुयोग को पसंद करती होती है। फिर क्लास में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो थोड़ी परेशान लग रही होती है। फिर हमें चोंगसन ग्योंगसू को अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करते दिखाया जाता है। वो जिस डेस्क पर बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं, वो नायन नाम की घमंडी लड़की का होता है। नायन अपने डेस्क पर ग्योंगसू को बैठा देखकर उसको अनाप शनाप बोलने लगती है और उसे वहां से उठा देती है। फिर मिस पार्क जो क्लास टीचर है, वो क्लास में पढ़ाने का स्टार्ट करती है। मिस पार्क क्लास शुरू होने से पहले सभी स्टूडेंट के फोन जमा कर लेती है और स्टूडेंट को ओंजो के बारे में पूछती है। ओंजो वही लड़की है जिसको इन्फेक्टेड चूहे ने काटा था और प्रोफेसर ने उसको बांध दिया था, पर किसी स्टूडेंट को उसके बारे में पता नहीं था। फिर मिस पार्क क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर लिबियोंग चैन से मिलती है। फिर उन्हें पूछती है आपने ओंजो को कहीं पर देखा था, पर प्रोफेसर मना कर देते हैं। मिस पार्क के जाने के बाद प्रोफेसर ह्योंजू को अलग अलग इंजेक्शन देते हैं ताकि वो होश में ना जाए। फिर प्रोफेसर की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें ग्विनाम और वो लड़की भी होती है, जिसका ग्विनाम ने और उसके दोस्तों ने वीडियो बनाया होता है। वो उसको क्लास में बहुत परेशान करता है और वहाँ साइंस लैब में वो लड़की धीरे धीरे इन्फेक्टेड होती जा रही होती है। फिर मिस पार्क की क्लास स्टार्ट होती है, सब स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक ह्योंजू अपने आप को वहाँ से छुड़वा कर क्लास में आ जाती है। फिर मिस पार्क को प्रोफेसर के बारे में सब कुछ बता देती है। ह्योंजू की ऐसी हालत देखकर मिस पार्क नामरा को क्लास का ध्यान रखने को कहकर ह्योंजू को सुयोग और ओंजो के साथ फर्स्ट एड रूम ले जाती है। वहीं पर वो लड़की भी चली जाती है, जो स्टार्टिंग में परेशान लग रही थी। जो नर्स को बताती है कि उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है, पर वहीं मिस पार्क और स्टूडेंट ह्योंजू को लेकर जल्दी से आ जाते हैं। ह्योंजू अब सबको काटने की कोशिश कर रही थी। ह्योंजू की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर तुरंत बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। सब लोग क्लास में ह्योंजू की बात कर रहे होते हैं कि उसे आखिर प्रोफेसर ने क्यों बांध के रखा था। दोस्तों ये ह्योंजू भी ग्विनाम की गैंग की मेंबर होती है, इसलिए सबको लगता है कि प्रोफेसर ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए इसके साथ ऐसा किया। मिस पार्क एम्बुलेंस को बुला लेती है और ह्योंजू को हॉस्पिटल भेज देती है। फिर ह्योंजू सुयोग को पसंद करती होती है, इसलिए सुयोग को अपना नेम टैग देकर क्लास में चली जाती है। सुयोग को
पता होता है कि चोंगसान अंजो को पसंद करता है, इसलिए वो अंजो की बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सुयोग को नामरा क्लास प्रेसिडेंट पसंद होती है। फिर मिस पार्क प्रोफेसर को बताती है कि अंजो को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, हमें सब पता चल गया कि आपने अंजो को कैद करके रखा था। ये सब सुनकर प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था ऐसा कहकर वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर मिस पार्क और जिम टीचर उन्हें जाने नहीं देते। ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल जाती है और वो स्कूल का मामला स्कूल में ही दबाने को कहते हैं और पुलिस को बुलाने से मना कर देते हैं, पर मिस पार्क पुलिस को बुला लेती है। पुलिस प्रोफेसर लिब्योंग चेन को पकड़ कर ले जाती है। फिर हमें स्कूल की नर्स को दिखाया जाता है जो परेशान होती है। ह्योंजू को इंजेक्शन लगाते वक्त ह्योंजू ने उनके हाथ पर काट लिया था। जैसी ह्योंजू की हालत थी वैसी अब नर्स की हालत होने लगती है। नर्स की आंखें बिल्कुल लाल और नाक से खून बहने लगता है, वो जॉम्बी बन रही थी। उतने में स्कूल में लंच का टाइम स्टार्ट होता है, सारे स्टूडेंट लंच रूम में जाने लगते हैं। वही ग्विनाम की गैंग के दो मेंबर उस नर्स के रूम में नर्स को देख लेते हैं। नर्स का मुंह खिड़की की तरफ होता है और वो पूरी तरह से जॉम्बी बन चुकी होती है। इन लोगों को ऐसा कि नर्स पागल होकर डोल रही है इसलिए वीडियो बनाने लगते हैं, पर नर्स को जैसे ही इनकी आवाज़ आती है वो तुरंत इनको काटने के लिए दौड़ पड़ती है। नर्स इसे काट लेती है, सारे स्टूडेंट ऐसा देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। नर्स ने जिसको काटा था वो भी इन्फेक्टेड होकर जॉम्बी बनकर सबको काटने के लिए दौड़ पड़ता है। एक दूसरे को काटते हुए पूरे स्कूल के स्टूडेंट जॉम्बी बनने लगते हैं। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका वीडियो ग्विनाम ने बनाकर सुबह 9 बजे वायरल करने की धमकी दी थी, इसलिए लड़की स्कूल की छत से सुसाइड करने को जा रही थी, साथ में उसका दोस्त भी होता है। फिर वो देखती है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट अचानक खिड़कियां तोड़ तोड़ के नीचे गिर रहे हैं। सारे स्टूडेंट एक दूसरे को काट रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। फिर हमें नामरा को दिखाया जाता है जो कान में ईयरफोन लगाकर पढ़ते हुए जा रही होती है। उसे इस बात का पता नहीं होता कि स्कूल में स्टूडेंट जॉम्बी बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं, वो अपनी धुन में ही जा रही होती है। तभी सुयोग आकर उसको वहां से बचा लेता है। फिर हमें लंच हॉल दिखाया जाता है जिसमें चोंगसान, ओंजो और उसके सारे फ्रेंड्स खा रहे होते हैं। फिर ओंजो जैसे ही खाकर बाहर जाने लगती है तभी सारे स्टूडेंट घबराकर बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे जॉम्बी पड़े होते हैं, इसलिए सारे स्टूडेंट अपनी जान बचाते हुए लंच हॉल में आ जाते हैं और उनके पीछे पूरे जॉम्बी की फौज भी अंदर आ जाती है। पूरे लंच हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। इसमें एक जॉम्बी ओंजो को देखकर तेजी से उसको काटने के लिए दौड़ पड़ता है और यहीं पर ऑल ऑफ अस आर डेड का पहला एपिसोड एंड होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।